अभी कुछ टाइम हो चुका है 10:16 सुबह के, और अभी मैं नहा के उठ के और ब्रेकफास्ट कर लिया है। और गाइस अभी आने वाले बाबा जी माँ जी 5 दिनों के बाद गए हुए थे उज्जैन, जो महाकाल का मंदिर है वहाँ पे, तो अभी फाइनली आने वाले हैं आधे घंटे में। सो गाइज आज ना बाबा जी माँ जी की एनिवर्सरी भी है और उनको याद नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन हमें तो याद है, तो केक वगैरह कटवाएंगे, थीम केक बनवाने देने चलता हूँ। पहले उनको आज आने तो माँ जी से पूछूंगा, माँ जी आपको पता है क्या आज, तो फिर चलेंगे केक बनवाने के बाबा जी। और अभी तो नमस्ते माँ जी, हवा जी नमस्ते। सो गाइज आ चुके हैं बाबा जी और 5 मिनट बाद और माँ जी और भी आ चुकी है सब। नमस्ते माँ जी, नमस्ते माँ जी, घूमाए फिर। सो गाइस अभी आ चुके हैं बाबा जी माँ जी, लेकिन अभी ना मैंने अभी नहीं किया, रात को केक के साथ ही ठीक है सरप्राइज देंगे। अब शायद याद ही नहीं है उनको आज एनिवर्सरी है, तो आज तो चुके हैं 5 दिन बाद आए पूरे, मतलब ऐसे सीहोर गए हुए थे वहाँ पे कोई सप्ताह वगैरह सुनने, जो है भागवत वगैरह, तो वहाँ पे मतलब 35 लाख लोग गए हुए थे, 35 लाख, और ऊपर से महाकाल के दर्शन करके आए हैं जो महाशिवरात्रि पे। गाइस इधर माँ जी ने आते ही तो खाने पीने का सामान निकाला, माँ जी यहाँ से चिप्स वगैरह लाई थी, कुछ अलग टाइप की मिठाई और चिप्स वगैरह। फिर माँ जी मजे आए पूरे सी और फुल ट्रेन में घूमे हो 5 के 5 दिन। हैप्पी एनिवर्सरी माँ जी। सो गाइस माँ जी को तो याद था, मुझे लगा नहीं होएगा। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी बाबा जी। खुशी कब है? पहले मैं जा रहा हूँ माची की लाई हुई मिठाई बांटने। चाची देव। सो गाइस चलते हैं और तो चलते हैं गाइस, ये मिठाई दिया आता हूँ और ऊपर से केक ऑर्डर दिया आता हूँ। माजी को याद था, बाबा जी को याद नहीं था, तो अब केक तो कटवाएंगे रात को, जो केक ऑर्डर दिया हूँगा और ये मिठाई दिया आता हूँ। सो गाइस जो प्रसाद वगैरह था वो तो दे दिया है, अब केक ऑर्डर करने चलते हैं। और अपना केक शाम को ही देखना कैसा ऑर्डर करूंगा, मतलब जो भी थीम केक रहेगा, तो चलते हैं केक ऑर्डर करने। सो गाइस अभी आ चुका हूँ फिलहाल केक ऑर्डर करने, तो करते हैं जल्दी से। सो गाइस अभी केक तो ऑर्डर दिया हूँ और मिठाई भी दिया हूँ, तो अभी क्या बोलते हैं सिंपल सा देख आऊँ, बाकी आप शाम को देख लेना कैसा केक है। उज्जैन जाओगे? सीहोर गाइस वहाँ पे 35 लाख लोग देख के तो माँ जी वापिस आ गई, अब कह रही है वापिस जाओगे, जाओगे? तो गाइस भक्ति देख रहे हो माँ जी की, भक्ति भक्ति है तो फुल भक्ति लेके जाऊंगी सिस्टम, बस यही तो बुलवाना चाह रहा था मैं। सो गाइस अभी कर लिया है लंच माँ जी और जी साथ ही, मतलब वो बातें बता रहे थी कि हमने ऐसे किया, मतलब वहाँ गए ऐसे वैसे, तो फिर अब लंच कर दिया और अभी कुछ टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, तो अब थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। पढ़ तो मतलब मैं बीच में लिया, लेकिन अब थोड़ा बहुत और पढ़ लेता हूँ, एग्जाम्स आ रहे हैं ना पास में, जब भी मैं स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल में कुछ हो भी नहीं रहा, और फिर ऊपर से कुछ आता जाता है नहीं, तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। तो गाइस खुशी और भी आ चुके हैं, तन्मय और भी स्कूल से आ चुके हैं, और आते ही माँ जी से मिल रहे हैं इधर। खुशी पता है क्या कह रही है? कह रही है क्या लेके आए हो माँ जी मेरे लिए? तुझे क्या मिला माँ जी की तरफ से? छोटा शिवलिंग। छोटा शिवलिंग कहाँ पे है? सो गाइस ये रहा शिवलिंग, माँ जी ये लेके आई है शिवलिंग सबके लिए, मतलब और लोगों के लिए, जैसे घर घर के लिए और एक दो, मतलब जैसे किसी को देने के लिए, तो 5-10 शिवलिंग लेके आई है। तो खुशी तुझे कैसा लग रहा है शिवलिंग के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है पक्का? आज पता है क्या है ये, फिर क्या गिफ्ट देगी तू माँ जी को? राम राम कर ली। सो गाइस माँ जी कह रही है राम राम कर लियो, तो बस वही बोलता है, गिफ्ट गुफ्ट कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस खुशी एक और चीज दिखा रही है, ये और लाई है शिव जी की वाली मूर्ति, जो बेसिकली गाड़ी में लगाते हैं आजकल लोग, और शिवलिंग्स भी लाई है, तो खुशी तो इसमें खुश है ना, खुशी की खुशी बम बम बोले में है। सो गाइस खुशी इज ऑलवेज खुश। और गाइस मैं यहाँ तो फिलहाल ना पेन ड्राइव में म्यूजिक वगैरह कॉपी कर रहा था, फूफा जी ने बोला था थोड़े म्यूजिक भजन वगैरह डाल देना, तो वो डाल रहा हूँ। और गाइस जो आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रही है ना, ये मैंने यहाँ ग्रीन स्क्रीन लगा ली, देख लो सही है। ग्रीन स्क्रीन का ना बेसिकली काम होता है बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है पूरा मस्त, जो आपने वीडियो नहीं देखी ना ग्रीन स्क्रीन वाली, वो जाके देख लो, जो ओडी वर्सेस वर्ल्ड है, वो मैंने ग्रीन स्क्रीन से ही शूट करी थी, तो मैंने अपने रूम में एक ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है,
इससे ना बिल्कुल सही शूट होती है। अगर कोई मतलब जैसे होती है एनिमेटेड वीडियो शूट करनी है सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करके, तो बढ़िया है ये। फोटो के लिए बैकग्राउंड रिमूव करना है कुछ भी तो ग्रीन स्क्रीन सही है, बेस्ट है। सो गाइस, जिसने भी मेरा ना जो इसे पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा, वो जल्दी से जाके देख लो अभी। मतलब कि इससे पीछे वाला भी है जो जो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन वाला डाला था, फर्स्ट व्लॉग ऑन टेस्ट ड्राइवन बाय प्रणव। सो गाइस, शायद अब मैं ना सारे व्लॉग्स इसी चैनल पे अपलोड करूं, क्योंकि मोनेटाइज भी हो रखा है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, तो शायद इस पे ही मैं व्लॉग्स कंटिन्यू करूं। और क्योंकि ना गाड़ी की वीडियो कम मिलती है एज कम्पेयर टू, तो गाड़ियों की वीडियो भी बीच बीच में डालूं और व्लॉग्स भी। तो देखते हैं, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस पे, नहीं तो प्रणव को व्लॉग्स पे। खुशी तो आते ही फोन में लग गई, इसका काम ही क्या, स्कूल से और फोन में लग जाओ। खाना खा लिया। सो गाइस, खाना खा लिया, अच्छी बच्ची है। होमवर्क कर जल्दी। अभी नहीं। सो गाइस, अभी हो चुकी है शाम और मैं जा रहा हूँ केक लेने। खुशी और मैं जा रहे हैं, चले। इसने भी नहीं देखा है, कह रही है भैया कौन सा केक है, तो चलते हैं खुशी और मैं जाके ले आते हैं जल्दी से। सो गाइस, अभी मेरे पास तीन व्हीकल में चॉइस है, लेकिन स्कूटी पे चलते हैं, इस पे दिक्कत आएगी। सही है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पे चलते हैं, ले आते हैं केक। गाइस, अभी हमें रास्ते में चाची मिल चुकी है। गाइस, केक के बहाने हम पहुंच चुके हैं एक सही सी जगह पे, मतलब सही है वो सेक्टर में, लेकिन चलता हूँ मैं आपको वहाँ पे, मतलब लेक्स है वहाँ, तो सही बढ़िया फील आती है वहाँ चल के ना। सो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूँ एक सही सी जगह पे, यहाँ के ना अच्छी फील आती है यहाँ पे ना, जैसे लेक्स है। क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, और जो लेक का व्यू आ रहा है ना, क्या मस्त आ रहा है, बिल्कुल ओपी। तो ये ना बिल्कुल रिलैक्सिंग वाला पॉइंट है, एक टाइप से खाली सेक्टर है बिल्कुल, और यहाँ जो ये डक वगैरह भी है इसमें। खुशी, कैसी फील आ रही है? बहुत अच्छी। फिर अब चलते हैं गाइस केक लेने। यहाँ शाम के टाइम ना काफी सही लगता है, और फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ जाओ यहाँ, आराम से चिल करो, मतलब बैठ के बातें वगैरह कर लो, और ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो अब चलते हैं केक लेने गाइस। अभी मैं आ चुका हूँ केक लेने, तो आपको घर जाके रिव्यू करूंगा कैसा केक है। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ केक लेके। तो माँ जी, हैप्पी एनिवर्सरी, लो आपका गिफ्ट। तो गाइस, अभी मैं ले आया हूँ घर पे केक। तो गाइस, माँ जी देख रहे हैं, देखने के लिए एक्साइटेड है? तो है तो सिंपल सोवर सा, लेकिन आपकी फोटो बहुत मस्त है। सो गाइस, ये फोटो देखो बाबूजी माँ जी की, 25 साल पुरानी फोटो गाइस, माँ जी बाबू जी 25 साल पुराने गाइस, और दादा दादी, और ये कुछ ऐसे लव का सिंपल सोवर्स है। लेकिन माँ जी, कैसी लग रही है आपको फोटो? अच्छी नहीं लगी? अच्छी लगी। हाँ, फिर अच्छी बोलो। सो गाइस, अच्छी लगी। अब काटेंगे केक, फिर माँ जी पार्टी कहाँ पे आज? कौन सा? सो गाइस, माँ जी की आवाज ही नहीं निकली पार्टी के नाम पे, तो अभी मैं आ चुका हूँ गली में। ईशान भी आ चुका है, यश भी, तो एक बार यार वो वाला हेलो गाइस, एक बारी भाई प्लीज। चापट भी आ चुका है, कई शर्मा रहे। सो गाइस, अभी करवाते हैं फाइनली केक कटिंग। सो गाइस, बाबा जी माजी रेडी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू माजी बाबा जी। फिर आपकी फोटो कैसी लगी माँ जी आपको? बाबू जी आपको कैसी लगी? लो माँ जी, केक तो खिलाओ। माँ जी आओ, इधर आओ। माँ जी शर्मा रही है गाइस। बाबा माँ जी को केक खिलाओ, थोड़ा सा तो खाओगे? सो गाइस, केक पे सारे झूठ पड़े हैं, खुशी तन्मय फुल, तो मैं भी केक खाता हूँ। देखो तन्मय ने पूरा मुंह खोल लिया केक के लिए। दीवू नहीं आ रही गाइस, तो मैं खाता हूँ। बढ़िया केक तो। ये देखो बाबा जी 25 साल पुराने, और अब ये देखना केक में क्या निकला हुआ है। ये फाउंडेंट होता है, फोन एंड जो भी है उस वो है, तो ये अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। सो गाइस, बस आज के व्लॉग में वैसे भी इतना ही था,
सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे सेलेक्ट कर देना। सो गाइस बस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो में, तब तक ये देख गुड बाय।